हे गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ होगा। इस नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है बढ़िया सी, और बस नाश्ता पानी करते हैं। सार्थक जा रहा है कॉलेज, डॉली बना रही है राइस, और सार्थक को गोभी मंचूरियन वाले फ्राइड राइस बनाता हूँ। पूजा वूजा भी मंदिर में करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी। सुबह सुबह सार्थक के लिए फ्राइड राइस बनाए जा रहे हैं, गोभी मंचूरियन वाले फ्राइड राइस बना रहा हूँ। डॉली ने सुबह सुबह राइस बिल्कुल प्लेन वाले ही, इसको तड़का लगेगा फ्राइड राइस के। हम प्याज मैंने हल्के सा फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, और ये जो गोभी और हमारे पास चिली पनीर बचा था रात का, सार्थक का था पापा, इसी का ही बना फ्राइड राइस। अच्छा लगेगा ना डॉली, टेस्ट भी बना था ना। सार्थक कह रहा है, वो कहता है पापा इसी का ही बना दो, मैं इसी का ही लेके चले जाऊंगा। मैं कहा थोड़ा प्याज डाल दो, शिमला मिर्च डालना है तो थोड़ा क्रंच वाला डालना है, डाल दो जरा सा। सातों शिमला का हो गया, अब चले गई है गोभी की जो, और शिमला मिर्च, गोभी मंचूरियन और चिली पनीर मैंने डाल दिया। मैंने डाल दिया फ्राइड राइस मसाला डाल दिया, अब इसमें डालेंगे राइस। तो गाइस मैंने डाल दिया राइस, अब इसको करेंगे फटाफट। 5 मिनट के अंदर हमारे गोभी मंचूरियन वाले फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए। तो बचन के सही है, अगर कोई सब्जी आपके पास बची हो उसका फ्राइड राइस बना के उसमें डाल दो चावल, और बढ़िया से। अब ये देखो ये प्लेन चावल है, और ये क्या मस्त वाले चावल बन गया। गलती हो गई क्या? भूख तो गलती। अरे यार थोड़ी सी वो सोयाबीन से चंग, या सोयाबीन बढ़िया उबाल के डाल देते बीच में, कुछ नहीं होता यार। वैसे प्याज व्याज भून के ना हाँ डाल देते मस्त बन। नहीं ऐसे ही बन गया, टेस्टी बन गया। नहीं ऐसे तो टेस्टी है ही, मैं वैसे। अरे मैंने बनाया, जाने की तैयारी है कॉलेज। ले लिया फ्राइड राइस मंचूरियन, ले लिया। आज मंदिर में पूजा हो चुकी है और भोग भी लग चुके हैं। हमने इसको कवर कर दिया था क्योंकि चूहियाँ बहुत है, बहुत आतंक मचा रखा चूहियों ने यार यहाँ पर भोग लगाने के बाद। तो गाइज हम भी नाश्ता करते हैं, चलते हैं शॉप। बस मैं आ गया था शॉप पर और काम कुम कर रहा था, 1 घंटा लाइट गई हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है लाइट के चक्कर में ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। इन्वेटर भी नहीं काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी और लाइट भी गई हुई थी। अब थोड़ा सा सुकून मिला, बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और गाइज आप लोगों के सजेशन मिले थे कि भैया आप इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी डाल दिया करो, जो आप ब्लॉग डालते हो ना तो उसकी स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया कीजिए कि आज जितने बजे ब्लॉग आएगा, या ऐसे आ जाता है अगर कोई चीज़ मिस होती है तो लिंक उसका ओपन करके आप वीडियो देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है काकू फैमिली। तो गाइज़ मैंने आप लोगों का सजेशन मांगा माना, और तकरीबन काफ़ी कमेंट्स आ गए हैं आज कि भैया आपने बहुत अच्छा किया इंस्टाग्राम पे लिंक लगा दिया है, अगर इनकेस हम इंस्टाग्राम भी देखते हैं आपका, इनकेस हमारा ब्लॉग मिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो स्टोरी में हमें पता लग जाता है कि आपका ब्लॉग आ गया, तो ओपन करके हम देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज ऐसे सजेशन देने के लिए। अगर ऐसी आप सलाह देते हो आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर और किसी के पास भी ऐसा सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देना। अब टाइम हो चुका है काकू के, बस ये आ गया है स्कूल से, आ चुका है, और इसका राजमा खाने का दिल कर रहा था, और राजमा हमने ले लिए हैं। ठीक है जी, अभी मम्मी ने इसके चावल बनाए हुए थे प्लेन वाले, तो कह रहे हैं राजमा खाने हैं, चलो राजमा ले लेते हैं साथ में। ये देखो ये मस्का चल रहा है, और कुछ लेने के लिए अभी पेप्सी की बॉटल लेकर आ गया है, वो ये पेप्सी वालों की नई बॉटल आई है 20 रुपये में, 400 ग्राम है यार, 400 ml यार, वही समझ गया ना। पहले ये राजमा लेके आया, चावल बनाए थे, कहता पापा कुछ खाना है। ठीक है तो गाइस बस आ गया था मैं लंच के लिए, और डॉली कुछ खा पी रही है, लगी है ब्रंच कर रही है नमकीन के साथ। ये देखो ये वाली 20 रुपए की 500 ml, ये जीरो वाली है, ये जीरो वाली है, ये बस यही खाई है, गर्मियाँ हैं बस यही। जीरो वाली नहीं थी। तो गाइज बस अब लंच करने आ गया हूँ घर पे, लंच के अंदर ऑली ने बना रखे हैं राज चावल, और मैं लेके आ गया हूँ राजमा, राजमा चावल दही लस्सी के साथ इंजॉय करते हैं बढ़िया सा। खीरा भी है, खीरा मैं खाता ही खा ना, ककम्बर का वो जूस बनाएंगे बढ़िया सा, क्रश क्रश अच्छे लगते हैं यार वो, मतलब हाँ पीने में क्रश अच्छा लगता है। आइस डाल दो, लेमन डाल दो, और लेमन और मिंट तो लेकर आता हूँ भैया, रात को लेकर आएंगे, रात को लेकर आऊंगा। लेमन और मिंट ना ज्यादा लेंगे, स्टोर कर लेंगे, लेमन मिंट और चुकंदर और आंवला। हाँ साथ के लिए सैलेड भी बनाना है, बनाना है ना, नहीं उसके लिए वो जो बटर, कौन सा बटर बोलते हैं, डिटॉक्स बटर बनानी। ठीक है जी बनाएंगे। ओहो नई बोतल, नई बोतल मम्मी ने लगा दी है फ्रिज पे, और गाइस बस लंच करते हैं, मिलते हैं आपको बोतल ये वाली। तो गाइस एक ये डिजाइन की बोतल लेकर आई थी, डॉली को ये वाली पसंद आ रही थी,
और एक और दिखाइए बॉटल जो क्रश वो वाली, वही दिखा दो ना। नहीं ना, ये मुझे ये वाली पसंद आ रही थी वैसे, ये बहुत ऐसे में दूसरा कलर, ये भी ग्रीन है और इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। क्रिस्टल वाली बहुत अच्छा है, यही कलर ग्रीन ही था इसमें, अच्छा लग रहा है वैसे। तो गाइस इलेक्ट्रिक के लिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है मकान, एकदम प्रॉपर तरीके से पूरे फट्टे लग गए हैं। अब कल या परसों इलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो गाइस बस मैंने लंच कर लिया, मैं जा रहा हूँ कोट कवर वाले के पास जिसमें कोट डाल के देते हैं, उसके कवर भी बनते हैं, वो कहीं से हमें बनवाने पड़ते हैं बाहर से। बस उन्हीं की फैक्ट्री में जा रहा हूँ कवर लेने के लिए अपने, और सार्थक भी बस आ गया है। मैं उसके बाद डॉली बना रही है चाय लेंगे, फिर मिलेंगे सीधा शॉप पर और जाके कुछ सामान भी लेके आऊँगा। ये क्या कर रहे हो? वाटरमेलन काट रही थी। सार्थक के लिए वाटरमेलन निकला लाल है ना, वैसे कितना सही निकला वाटरमेलन। तो मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, बिस्कुट या कुछ मट्ठी वगैरह खाने का तिल है, छोटी छोटी तिल वाली जो मट्ठी होती है स्वीट वाली, ले आओ। अच्छा पसंद है ना तेरे को पाव बर्गर? आपको भी तो पसंद है पाव बर्गर वगैरह, कुछ ऐसी चीजें पता नहीं। देख कल बुधवार है, कुछ कल के लिए देख ले, कल कुछ हेल्थी बनाते हैं यार, उसका नाश्ता बनाएंगे लौकी की सब्जी का। लौकी का, लौकी कौन है? लौकी मतलब लौकी कौन नहीं है, घी को लौकी बोलते हैं। अच्छा। लौकी कौन है? वाह कमाल अच्छा। करते पांडे जी, या तो फिर कुछ लेके देख तो जा रहा, कुछ ना कुछ जो मिलेगा ले आऊंगा यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस कीड़े मिल गए थे ताज़ा भैया से ले लिया, सारी फ्रेश सब्जियाँ भैया के पास सारी की सारी। आज ट्यूजडे मार्केट लगी है दुकान के पास। प्यारी छोटी सी बकेट है यार कितनी, इसमें कुछ डिश सर्व करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगी वैसे ये वाली। और काकू के लिए लेखनी आ गया था, मैं बॉटल चाहिए थी एक और, इसको इसे छोटी वाली दिखा दो यार ठंडा रखने के लिए। बड़ी ये नहीं है ये ना? ओपन कैसे होती है? ये टूटती तो नहीं है? नहीं। अगर नीचे गिराओगे तो टूट जाएगी। अच्छा पानी ठंडा रहेगा। क्या न्यासा की है? कलर दिखाओ है नहीं, पिंक वाला नहीं चाहिए, वो तो लेगा ही नहीं पिंक, ब्लू दे दो पहले, ग्रीन है उसके पास। तो भाई यहाँ पर आ गया था, मैंने कहा चल यार कुछ बॉटल कैचअप की बॉटल भी चाहिए थी मुझे, सामान भी चाहिए था, मैंने कहा चलो सामान देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं अभी इस टाइम। एक तो ये वाली मैंने देखी है, ये वाली ठीक है, एक ये वाली इसमें से देख रहा हूँ कौन सा कलर है। अब लेकर जाता हूँ घर पर, जो पसंद आएगी वही लूँगा मैं, और बिल्कुल अपनी घर शॉप पे दो देख ली हैं और दो लेके जा रहा हूँ मैं। अब जो पसंद आएगी वो रख लेगा, एक अंकल जी को वापस दे दूँगा। यही होता है पड़ोस में शॉप से सामान लेने का। और यहाँ पर अंकल जी के बाकी पूरी रेंजर्स बर्तन की, मतलब कुकवेयर की है, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें बॉटल हैं रैक, मतलब किचन का सारी आइटम मिल जाएगी, सारी आइटम मिल जाएगी उनके पास। ये पसंद आ रही है मुझे न्यासा की बॉटल्स है, कैचअप की ये ले ली 3-4। बस मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था काकू के लिए, चाहिए थी बॉटल, वैसे तो बॉटल है उसके पास, वाटर बॉटल है एक, जैसे ग्लूकोस या कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह के लिए बॉटल चाहिए होती है ना, उसको बैडमिंटन खेलता है तो उसके लिए एक बॉटल अलग से लेके जाता है, यानी केक में लेके जाता है एनर्जी ड्रिंक ग्लूकोस बनाकर, और एक में लेके जाता है प्लेन वाटर, तो उसके लिए चाहिए थी ग्लूकोस के लिए, मैं अलग से एक बॉटल लेकर आ गया उसके लिए। और बस थोड़ा बहुत सामान चाहिए थे, बास्केट चाहिए थी कैचअप के लिए, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने परचेज़ कर लिया है यार। और बस अपनी शॉप पर आ गया हूँ, अब थोड़ा सा काम करते हैं। उसमें उसमें आ गया था शॉप से। हाँ जी चल रहे हैं आपने मंगलवार या मैं जाऊँ आपके साथ? तो गाइस बस आप ट्यूसडे मार्केट जा रहे हैं, सब्जी वगैरह ले आए कुछ, और बॉटल वगैरह पसंद आ गई है डॉली? मैं आ रहा हूँ और मैं टूर की मार्केट होके आ रहा हूँ। ठीक है आप डिनर की तैयारी करो, किचन में काम कर देता हूँ 30 का। और 50 रुपये पाओ, 200 रुपये किलो नींबू। तो गाइस बाजार में खरीदारी कर रही है मासी जी, है हमारी छुटकी है। क्या मस्त वाली चने की दाल, कितना बढ़िया फ्लेवर, अच्छी महक आ रही है इसके अंदर। भाई भाई ये क्या बात करने आई है? कुछ नहीं बात कर रहे थे, मैं इनसे बदला लेने के लिए आई थी। बदला ठीक है। देखो विनय मतलब पार्टी खा के आने के बाद का मेकअप कर रहा है, इसलिए मेकअप इनको दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे बातें सुनाने आई है। हां मैंने कहा दिखाई दे रहा है, हमें छोड़ के चले गए हैं दोनों जने, हम कहते थे तैयार हो तो मैं इतनी जल्दी नहीं हो सकते, भागे पटक रहे थे, हम जा रहे पर गाड़ निकल रहा है। मैं कोको कुछ की रोटी बना रही हूँ, मैंने मेकअप साफ कर दी है, एक काली काली ओके एक और एक और एक और चलो जी। एक बात बताओ, आपने मुझे कब बोला था जाने को? नहीं जा चीना रही थी, चीना नेम टाइम पे धोखा दे दिया, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ,
तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो कहती है कि मैंने कहा तो ऐसे कर मुझे कैब करके दे दे, मैं अकेली चली जाती। तो पता नहीं कब इसे निक्की से पूछा, निक्की ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। फिर इसे रौनक से पूछा, रौनक ने मना कर दिया। फिर हम चले गए, फिर दो अपने आप तैयार हो गए। इसे अपने आप अलमारी में से सूट निकाला, अपने आप इसको टाइट करके अपने आप पहन के बैठ गई। मुझे पता नहीं इससे क्या बोल रही थी जी, ना सो रहा था, सो रहा था, फिर मेरा बन नहीं रहती थी जल्दी। फिर नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। और चीना को इतनी सुंदर ड्रेस थी, इतनी सुंदर ड्रेस थी जो इसने उसके जन्मदिन पे पहनी थी, तुबा आयान की। वो ड्रेस इसकी बड़ी थी, इसने आज भी नहीं पहनी, और नहीं की नहीं रहती। कहती है ना जिसके खाने दाने दाने में निकला, दाने दाने में निकला खाने वाले का नाम। आपकी धोखा किस बात का हुआ भाई? वो इसलिए कि हम तैयार नहीं हो पाए, तो मुझे अपने को लग रहा है कि बाप को बाप जी इतनी जल्दी अपने जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोला। और मैं अच्छा जल्दी जल्दी क्यों जल्दी और बोलते तो काकू को सोने नहीं देती ना, तो कहीं हुआ ना फिर बाप बताओ। मेरे को भी एट टाइम पता चला भाई, भाभी कहती कोई बात नहीं, निक्की तैयार होती वैसे प्रोडक्ट तैयार हो जाती। भाभी इतनी जल्दी इसको ना एक सबसे मेन तो लेकिन मैं ही तैयार हूं। एक महीने पहले इनविटेशन दे दिया करो। नहीं एक महीना तो नहीं, मुझे तो 4 महीने पहले इनविटेशन था। ये शॉपर प्लेनेट वाले हैं, उन्होंने मुझे 4 महीने पहले ही कह दिया था मैं लड़की का जन्मदिन करूंगी। मैं मुझे वेन्यू नहीं पता कहाँ होना है, बट आपके घर के आसपास करूंगी। मैं लक्ष्मी नगर रहती हूँ, मैं इतनी दूर नहीं करूंगी, वहाँ इतने अच्छे बैंकेट हॉल नहीं है। तो कहते हैं मगर आपने आना है, आप नहीं आए तो आप देख लेना आपकी मेरी वो तो आपको पता। फिर फैन फॉलोइंग है अगलों की, यार ये फैन फॉलोइंग है ये उन्होंने, हम लोग तो बच्चों की वजह से यही कमाया उन्होंने। भाभी जी कमाया क्या है, पहले बच्चे हमारी वजह से थे, आज हम बच्चों की वजह से। ऐसे ही होता है, पहले माँ-बाप से बच्चे, फिर बच्चों से भाई। वाले की मम्मी हो ना मैं कहा भाई, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, मतलब आसान है, आसान है। सेम कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है आजकल। वो अरेबियन बन जा रहे नहीं होते, अरेबियन बन जा रहे अरेबियन अरेबियन बनेंगे। चलो भैया आओ, कोई बात नहीं, हम अगली बार चलेंगे निक्की को धोखा देंगे। अच्छा ठीक है, सीधा ऊपर टाइम हो चुका है ब्लॉग का एंड करने का, और इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। काकू सो चुका है, डॉली बाहर काम कर रही है, और राइस कुकर मैंने निकाल दिया, 5-6 साल के बाद निकला है बाहर। अब उसको किचन में रखेंगे, सेट करेंगे, और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।